इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैंकॉक में 26 दिसंबर को मुलाकात हुई। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर कुलभूषण जाधव की उनकी माँ और पत्नी के साथ पाकिस्तान में हुई मुलाकात के ठीक अगले दिन दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई। हालांकि सूत्रों की माने तो ये मुलाकात पहले से तय थी, लेकिन यह आशंका जताई जा रही है कि मुलाकात के ठीक एक दिन पहले कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ बदसलूकी के मामले पर भी इस मुलाकात में बात हुई होगी। सूत्रों की माने तो सिर्फ दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों को इस मुलाकात की जानकारी थी और मुलाकात में भारत के NSA अजीत डोवाल ने आतंकवाद और आतंकी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इससे पहले 2015 में भी दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैंकॉक में ही मुलाकात हुई थी। आपको बता दें, ताजा मुलाकात से पहले 18 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने परमाणु युद्ध की आशंका जताते हुए एक बड़ा बयान भी दिया था। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, कुलभूषण जाधव के परिवार की जब उनसे मुलाकात हुई, उसके अगले ही दिन ये मुलाकात दोनों देशों के बीच, क्या लगता है इस पर भी कोई बातचीत हुई होगी? हालांकि पहले से ही यह तय था कि ये मुलाकात होनी है बैंकॉक में। देखिए, पहले तो आपको ये बताते चले कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन इस मुलाकात का नहीं आया है। हालांकि इस मुलाकात के बारे में उन्होंने मना भी नहीं किया है, पूछे गए सवालों पर एक खामोशी है, एक चुप्पी है और मना नहीं किया गया है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ठीक उसी दिन यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे थे, बदसलूकी जो जाधव के परिवार के साथ पाकिस्तान इस्लामाबाद में की गई थी, क्या उसी दिन ये मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के होने में क्या वो सारी बातें जो यहाँ प्रेस को कही गई थी दोहराई गई थी? अभी इस बारे में भी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जांजुआ जो कि वहाँ के NSA हैं और अजीत डोभाल साहब जो भारत के NSA हैं, दोनों की मुलाकात अगर होती है तो आखिरकार जो हुक्मरान है वहाँ के वो कितने प्रभावी हैं? वहाँ तो ISI और आर्मी, ये दोनों प्रभावी हैं और जिस तरह से बदसलूकी जाधव परिवार के साथ की गई थी वो साबित भी हो गया। तो ऐसे में जांजुआ से मुलाकात कर भारत क्या अचीव करना चाहता है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जी संजीव, इस बारे में कोई भी अपडेट होता है तो आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।